मोती क्या है? मोती मतलब पर बहुत सारे महिलाएं मोती पहने हुई दिखाई पड़ती हैं। मोती क्या है? मोती मतलब पर बहुत सारे महिलाएं मोती पहने हुई दिखाई पड़ती हैं, पुरुष बहुत कम पहनते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मोती जो है इसका उपयोग क्यों होता है? इसका उपयोग होता है विशेषकर यदि मन में उदासीपन रहता है, रोने का बहुत दिल करता है। आप जानते हैं औरतें बहुत रोती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं। ये इसलिए होती हैं कि शरीर में जो रासायनिक एक द्रव्य है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं, उसकी कमी होने से ये समस्या पैदा हो जाती है। आप जानते हैं कि जो मासिक स्राव होता है महिलाओं का, मंथली जो साइकिल्स होते हैं, मंथली पीरियड्स जो होते हैं, उसमें काफ़ी सारे कैल्शियम शरीर से खून के साथ बहाव में निकल जाते हैं। तो कई बार शरीर इसका दोबारा निर्माण ठीक से कर नहीं पाता है, तो इसकी कमी हो जाती है। इसकी कमी होने से, कैल्शियम की कमी होने से आदमी का रोने का मन करता है। शरीर आपको कैसे बताए? शरीर तो आपसे बात नहीं करता, ये इंगित करता है, आपको इंडिकेशंस देता है। इंडिकेशंस कैसे देगा? कि जैसे आपको लगे कि भाई मन उदास है, मन में बातों बातों में आंसू छलक आते हैं, तो ये बेसिकली इंगित करता है कि बॉडी में कुछ कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ कमी है। तो मोती में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आप जानते हैं कि नवरत्नों में दो रत्न ऐसे हैं जो कि पत्थर नहीं है, हम कहते हैं ना जेम स्टोन। मैंने बताया भी है कि जेम स्टोन हम बोलते हैं क्योंकि विदेशी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो लोग स्टोन्स की ज्यादा बातें करते हैं, हम लोग नवरत्न की बात। रत्न का मतलब जेम स्टोन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे कोराल है या मूंगा जो आप पहनते हैं मंगल के लिए पहनते हैं, लाल रंग का होता है, और ये मोती, ये दोनों जैविक हैं, ऑर्गेनिक हैं, जो कि पानी में समुद्र में पैदा होता है, जीव से उत्पत्ति होती है इसकी। ये स्टोन्स नहीं है, स्टोन तो जो धरती के अंदर पाए जाते हैं उसको स्टोन कहते हैं, पत्थर कहते हैं, ये पत्थर नहीं है। तो इसमें जो जैविक रसायन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम आप जानते हैं हड्डियों को मजबूत करता है। आप जानते हैं कि एक उम्र के बाद मेनोपॉज जब हो जाता है तो लेडीज को यह भय रहता है कि उनका बोन्स जो है ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब टूटने के चांसेस रहते हैं, तो उनको कैल्शियम टेबलेट खाने की बात दिखाई जाती है। देखिए जो आयुर्वेद है, शरीर का स्वास्थ्य विज्ञान आयुर्वेद जो है, और ये ज्योतिष शास्त्र जो है, ये दोनों एकदम जुड़े हुए हैं, दोनों साथ में चलते हैं। क्योंकि शरीर और मन यदि ठीक नहीं होगा तो फिर हम किस प्रकार से धर्म के काम कर सकते हैं, अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, या एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष का तो अर्थ और उद्देश्य यही है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में सफलता प्राप्त करें। वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर में जो रासायनिक द्रव्यों का निर्माण हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसमें कमी ना हो, बैलेंस स्टेट में हो। तो आदमी जब मोती पहनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके शरीर में आना शुरू हो जाता है। किस प्रकार से आता है? मैंने बताया हुआ है कि सभी जो नेचुरल चीजें होती हैं वो नेगेटिव आयोन्स को रिलीज करती रहती हैं, रेडिएट करती रहती हैं। प्रत्येक जो नेचुरल स्टेट, जो भगवान के बनाए हुए नेचुरल चीजें होती हैं, वो नेगेटिव आयोन्स रिलीज करती रहती हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज कर रहा है। लेकिन जैसे मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, यदि आपके चंद्रमा की शक्ति में कमी है तभी मोती पहनना चाहिए। यदि चंद्रमा ठीक है और मोती पहनेंगे तो नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी शरीर ठीक से बना रहा है। जैसे मुझे मेरी आंखें ठीक हैं तो मैं ये चश्मा पहनने की मुझे जरूरत नहीं है, इसको ऐसे समझें। जैसे आपको पैरासीटामोल खाने की जरूरत नहीं है, शरीर में बुखार नहीं है, तो क्यों खाएंगे आप? खाएंगे तो नुकसान होगा।
मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो भी रत्न है उनको पहने, जरूर पहने जहां जरूरत हो। ज्योतिषीय शास्त्र के उचित परामर्श के हिसाब से ही पहने, ऐसे अपने मन मन से मत पहने, जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। यदि आपके चंद्रमा निस्तेज है, शक्ति नहीं है, लेकिन शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो आप मोती धारण करने से फायदा हो सकता है। लेकिन यदि चंद्रमा ठीक नहीं है, चंद्रमा के वो मंगल की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो शनि और मंगल को ठीक कीजिए, उनके एनर्जी को ठीक कीजिए, कम कीजिए। क्योंकि शनि देखेगा चंद्रमा का तो मन में दुख पैदा होगा, मंगल देखेगा तो वो गुस्सा आएगा। इन चीजों का ध्यान रखें। उसकी जगह आप दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष बैलेंसर्स होते हैं, जहां भी आपको डाउट हो कि भाई मेरा ग्रह ठीक है कि नहीं है, वहां उसका रुद्राक्ष पहनना ज्यादा बेहतर हो। मोती पहनने से तो मैं कहूंगा कि दो मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए आप, क्योंकि मोती तो नकली भी आ सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष ज्यादातर सही ही होते हैं। सही जगह से खरीदिए, आप पहनिए तो ठीक ही फायदा ही करेगा आपको। तो मोती का प्रयोग चंद्रमा के लिए होता है। मोती असली ही पहननी चाहिए। मोती आप देख रहे हैं, यहाँ जो फोटो देख रहे हैं ये सब मोती हैं। मोती कैसे बनता है ये आप देख रहे हैं आप, है ना। तो मोती का धारण आप जरूर करें, लेकिन सोच समझ के करें। ऐसा नहीं कि बस कहीं भी मिल रहा है आपने खरीद लिया और मोती का आपने पहन लिया। आप एक चीज को और भी ध्यान रखें कि जैसे आपका मोती है, ये देखिए आप कि इसको मोती और कोरल प्रवाल जो बताया मैंने कि ये दोनों ही बनते हैं पानी में, और दोनों की जो स्केल है, क्या स्केल है, फ्रजाइल मतलब हार्डनेस की जो बातें करते हैं, ये होता है 3.5 जैसे लेवटेस होता है तो 3.5 उसका स्केल में उसकी हार्डनेस टेस्ट होती है। मोती जो है लोगों को लगता है कि केवल सफेद रंग में आता है, ऐसा नहीं है। मोती जो है अलग अलग रंग में आता है, कभी ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, पर्पल कलर का और रेड लाल रंग का भी मोती आता है, तो खाली सफेद रंग का मोती नहीं आता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि मोती का अलग अलग रंग में आ सकता है, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो वही रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। दो मुखी रुद्राक्ष जैसे बताया मैंने सेफ है कंपेयर टू मोती पहनना। मैं अभी कमांडर संतोष शर्मा, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करें। नमस्कार।